अभी आप एक ऐसा वीडियो देखने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, पर सच तो बताना ही पड़ेगा। क्या आपको पता है कि आजकल सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको बगैर पूरी बात बताए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हेयर लाइन, डिफ्यूज हेयर लॉस जैसे अर्ली हेयर लॉस कंडीशन के लिए आपको हेयर पीस, हेयर पैच, हेयर विग सजेस्ट किया जा रहा है। बिजनेस प्रमोशन के लिए 20 मिनट में जीरो से हीरो बनने का वीडियो प्रमोट किया जा रहा है और कुछ लोग इस ट्रैप में फंस भी रहे हैं। सो अगर आप भी डिफ्यूज हेयर लॉस के लिए, हेयर लाइन के लिए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इवन ग्रेड 5 के लिए हेयर पीस, हेयर पैच या हेयर विग यूज कर रहे हैं तो इसमें अब भी आग लगा दीजिए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी में आग लगा देगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, ये क्वेश्चन पूछिए, जानिए, समझिए कि कैसे ये आपकी जिंदगी में आग लगाएगा। और आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ना तो हेयर पैच खराब है, ना हेयर ट्रांसप्लांट और ना ही हेयर ट्रीटमेंट, पर तीनों का अपना अपना रोल होता है। जैसे आप बुमराह से बैटिंग ओपन नहीं करा सकते और रोहित शर्मा से बॉलिंग ओपन नहीं करा सकते, भले ही दोनों क्रिकेट खेलते हैं पर दोनों का अपना अपना रोल है। वैसे ही पैच या विग हेयर ट्रीटमेंट या हेयर ट्रांसप्लांट के बदले यूज नहीं किया जा सकता है, भले ही सब हेयर से रिलेटेड हो। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट और ट्रांसप्लांट की जरूरत है उनको बगैर पूरी बात बताए पैच और विग लगाया जा रहा है और उनको सिंपल और इजी सॉल्यूशन के नाम पर जिंदगी भर के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम की आदत लगाई जा रही है और उन्हें परमानेंट गंजापन या बॉल्डनेस की तरफ ढकेला जा रहा है। यंग एज में अगर हेयर पीस की आदत लग गई तो ये कई तरह से आपके लाइफ में आग लगाएगा। सबसे पहले सिंपल और इजी सॉल्यूशन के नाम पर आपको हाई डेंसिटी वाले लुक की आदत लगाई जाती है और एक बार आपको हाई डेंसिटी वाले लुक की आदत लग गई और एक बार सोसाइटी में इमेज बन गया तो आपके लिए हेयर पीस को निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। यह एक ट्रैप है, चाहे वो आप हो, आपकी गली का रमेश हो या कपिल शर्मा हो या अमिताभ बच्चन, छोटा हो या बड़ा, हेयर पीस को हटाने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। फिर चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, इचिंग हो, बदबू आए, हेयर पीस को यूज करना आपकी मजबूरी बन जाती है। ये है पहला आग। अमिताभ बच्चन का ही एग्जांपल देखिए, नॉर्मल कंडीशन में वो विग लगाते हैं और जब वो बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तब वो मंकी कैप यूज करते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होती नॉर्मल जिंदगी जीने की, फिर नॉर्मल लोगों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हेयर पीस यूज करने वाले 100% लोग इस बात से सहमत होंगे। दूसरा आग, जिस एरिया में आप हेयर पीस लगाओगे उस एरिया या उसके आसपास के बचे हुए बाल धीरे धीरे पतले होते जाएंगे और उनका परमानेंट लॉस होता जाएगा और बॉल्डनेस का एरिया बढ़ता जाएगा, आपका गंजापन बढ़ता जाएगा। आप हेयर पैच, हेयर पीस एक अच्छे फ्यूचर के लिए लगाते हैं, पर ऐसे पैच का क्या फायदा जो आपका फ्यूचर परमानेंट खराब कर दे और फिर पूरी जिंदगी नकलीपन के एहसास के साथ जीना पड़े। हाँ, अगर किसी कंडीशन में पैच लास्ट ऑप्शन है तो बात अलग है, पर जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी को मारना, अपने स्कैल्प को जानबूझकर डैमेज करना, ये तो डेफिनेटली समझदारी नहीं है। पैच यूज से किसी किसी केस में डोनर एरिया भी कमजोर और बेकार हो जाता है, उन बालों से हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता है। लंबे समय तक हेयर पैच यूज करने के बाद आपका स्कैल्प इतना डेड हो जाएगा कि उस पर कोई ट्रीटमेंट, कोई ट्रांसप्लांट कुछ काम नहीं करेगा। आपको लगता है कि हेयर पैच एक चीप ऑप्शन है तो ऐसा नहीं है। हेयर पैच का कॉस्ट, हर महीने मेंटेनेंस कॉस्ट, हर थोड़े समय में हेयर पीस बदलने का कॉस्ट, हमेशा नकलीपन का एहसास, ग्लू, पसीना और डेड टिश्यू का बदबू, बाला फिल्म की स्टोरी रिपीट होने का डर, हर बार ग्लू को हेड से निकालने के लिए आपके स्कैल्प को C22 या पेट्रोल से घिसाई, हेयर पीस चीप नहीं है। ये आपके पैसे के साथ आपके दिल में भी आग लगाता है, एक बार नहीं बार बार लगाता है। आपको बताया नहीं जाता पर हेयर पैच यूज करने पर आपके स्कैल्प पर इन्फ्लेमेशन होता रहता है जो रेड कलर के पैच के फॉर्म में दिखता है और पैच वाला एरिया ज्यादा गर्म भी रहता है और ग्लू और टेप के कारण कई लोगों की एलर्जिक रिएक्शन और मेडिकल इश्यूज भी होने के चांसेस होते हैं। जो लोग क्लिप वाला सिस्टम यूज करते हैं उनका अलग प्रॉब्लम होता है, वो प्लेन में अपने ऑफिस में सीधे सर टिकाकर नहीं बैठ सकते, कहीं भी सबके सामने नहीं सो सकते जैसे ट्रेन में। क्यों? क्योंकि क्लिप चुभता है। विविंग में जिस बाल के साथ हेयर पीस को फिक्स किया जाता है वो एरिया धीरे धीरे परमानेंट लॉस की तरफ चला जाता है। इस आर्टिफिशियल रेस्टोरेशन सिस्टम को कई नामों से जाना जाता है, हेयर पीस, हेयर पैच, टोपी, बिग हेयर, विविंग एक्सटेंशन, हेयर सिस्टम, नाम चाहे जो भी हो हेयर पैच पैच ही होता है। इसमें एक बेस या मेश होता है, दूसरा हेयर और तीसरा इस सिस्टम को चिपकाने के लिए ग्लू या टेप या क्लिप। बेस या मेश दो तरह का होता है। पहला मेश नेचुरल मटेरियल जैसे पॉलिस्टर या नायलॉन का बना होता है जिसे फैब्रिक मेश कहा जाता है। दूसरा मेश आर्टिफिशियल पॉलीमर मटेरियल जैसे सिलिकॉन या पॉलीयुरेथेन यानी PU का बना होता है। फैब्रिक मेश में नेचुरल कूल, कंफर्टेबल और हल्का होता है पर यह महंगा होता है।
और बॉडी एसिड के साथ रिएक्ट करके जल्दी खराब हो जाता है, जिसके कारण जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है। पॉलीमर या आर्टिफिशियल बेस सस्ता होता है और लंबा चलता है और चिपकने में आसान होता है, पर यह जहां लगाया जाता है वहां हीट बहुत पैदा करता है और अनकंफर्टेबल होता है। और नेचुरल लुक के लिए पॉलीमर मेस में भी फ्रंटल एरिया में नेचुरल फैब्रिक मेश लगाना ही पड़ता है। चिपकाने वाला ग्लू भी कई नामों से जाना जाता है, पॉलीफ्यूज, नेचुरल बॉन्ड, पॉलीबॉन्ड, नाम चाहे जो भी हो, ये आपके स्कैल्प और हेयर के लिए अनहेल्दी हो सकता है। मैं हेयर पैच या हेयर पीस के अगेंस्ट नहीं हूं, पर आजकल बगैर पूरी बात बताए आपको हेयर लाइन के लिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जैसे अर्ली हेयर लॉस कंडीशन के लिए आपको हेयर पीस या पैच लगाया जा रहा है, जो गलत है। ये आपको परमानेंट बॉल्डनेस की तरफ धकेला जा रहा है। ये सारे कंडीशन वो कंडीशन है जिनमें हेयर ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट के हेल्प से नेचुरल और फ्री लाइफ जिया जा सकता है। यंग एज में आप ट्रीटमेंट से हेयर ट्रांसप्लांट के हेल्प से नेचुरल लाइफ जी सकते हो, तो नकली जिंदगी जीने की क्या जरूरत है। हेयर पैच या पीस लास्ट ऑप्शन के रूप में यूज करना चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑप्शन के रूप में। हाँ, अगर आप नेचुरली हेयर पैच या पीस या विक के पेशेंट है, फिर कोई बात नहीं। जैसे आपका डोनर एरिया नहीं है, ट्रांसप्लांट से सफिशियंट रिजल्ट नहीं आ पाएगा, सर्जरी कराने से डर लगता है, ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, कैंसर सर्वाइवर है, या कोई और मेडिकल कंडीशन जैसे स्कारिंग एलोपेशिया या हेयर लॉस एक्सटेंसिव है, ग्रेड 7 या उससे भी ज्यादा, ऐसे पेशेंट्स को मैं खुद हेयर पैच या विक सजेस्ट करता हूं। सो पहले अपने कंडीशन को जाने समझे, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट से मिले और राइट ओपिनियन के बाद राइट डिसीजन ले। जो लोग पैच का बिजनेस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपने क्लाइंट को पैच के सारे अच्छे और बुरे पॉइंट्स को बताएं। अगर नॉलेज नहीं है तो सीखिए। हेयर पैच और हेयर पीस सिर्फ लास्ट ऑप्शन के जैसा यूज करिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर यंग लोगों के फ्यूचर के साथ मत खेलिए। और यंग जनरेशन, आप लोग भी ऐसे ट्रैप में फंसने से पहले अपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझे, फिर डिसीजन ले, अपने लाइफ को ऐसे खराब ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।